नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। सुबह से आप एक खबर देख रहे होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपना बंगला बदल लेंगे, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो अभी का पता है वो चेंज हो जाएगा, एक अन्य मार्ग से पता चेंज होकर 7 सर्कुलर रोड हो जाएगा। जी हाँ, 10 सर्कुलर स्थित आवास है राबड़ी देवी का, और उसके 3 बंगले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया बंगला होगा। ये बंगला क्यों चेंज हो रहा है, किस लिए चेंज हो रहा है, इसको लेकर लगातार बिहार की राजनीति गर्म है। इसके पहले भी आपने सुना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना बंगला बदलेंगे, वो भी कोरोना काल में, जिस समय कोरोना अपने चरम सीमा पर था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कोरोना हो गया था, उनके सभी गार्डों को कोरोना हो गया था, सुरक्षा कर्मियों को हो गया था। इसको लेकर ये खबर आ रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना बंगला बदलेंगे सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, लेकिन उस समय उन्होंने अपना बंगला नहीं बदला। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सीएम हाउस को रेनोवेट कराना है, मरम्मत का काम उसमें चलेगा, इसलिए मुख्यमंत्री को 7 सर्कुलर स्थित जो आवास है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। अब इसको लेकर कई सारी अफवाहें भी उड़ रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे, उस आवास में चले जाएंगे, और ये अफवाह इसलिए उड़ रहा है क्योंकि जब नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था उस समय वो इस्तीफा देकर उसी आवास में रहने गए थे। इसलिए खबरों का बाजार गर्म है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री उस आवास में जा रहे हैं तो क्या फिर से इस्तीफा देंगे, क्या फिर से किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास पर मरम्मत का काम शुरू होगा तो मुख्यमंत्री कहाँ रहेंगे, इसलिए उनको 7 सर्कुलर स्थित जो आवास है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। हाल में ही उस आवास का मरम्मत हुआ था, कई सारे चीज जो है उसमें लगे थे, जैसे लिफ्ट हो या फिर सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कई सारे कैमरे लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री अगर उस आवास में आएंगे तो उस एरिया को बंद कर दिया जाएगा, बंद मतलब आम जनता के लिए उस एरिया को बंद किया जाएगा। वहां पर जिस नेता का आवास है वही जा सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहते हैं, राबड़ी आवास वहीं पर है, वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहते हैं, और उसके ठीक 3 बंगले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया ठिकाना होगा, वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे कुछ समय के लिए, जब तक सीएम हाउस का मरम्मत का काम चलेगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी बंगले में रहेंगे। तो खबर अगर आप कहीं ये देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार बंगला बदल रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, बात ये है कि उनके आवास का मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए वो उस आवास को छोड़कर 7 सर्कुलर स्थित जो आवास है उसमें चले जाएंगे और कुछ समय के लिए उसी में रहेंगे, और उसके बाद जब एक अन्य मार्ग में जो सीएम हाउस है उसका मरम्मत हो जाएगा तो उसमें मुख्यमंत्री शिफ्ट कर जाएंगे। तो देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब इस बंगले में शिफ्ट होते हैं और उसके बाद कितने दिन तक इस बंगले में रहते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।